को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर भाकियू नेता तहसील अध्यक्ष मंडल के रोहिताश चौधरी ने तहसील मुख्यालय मंडलम में किसानों द्वारा तहसील मुख्यालय मंडलम पर विश्वासघात दिवस मनाकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उप जिलाधिकारी के नाम से संबोधित कर नायब तहसीलदार को दिया। भाकियू नेता रोहिताश चौधरी ने भारत सरकार पर किसान आंदोलन के दौरान किए वादे को ना निभाने पर विश्वासघात का आरोप लगाया हुआ और आरोप लगाते हुए ज्ञापन के माध्यम से किसानों की मांगों को पूरी करने की मांग की है। उप जिलाधिकारी मांट ने चुनाव में ड्यूटी का हवाला देते हुए नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया। भाकियू के तहसील अध्यक्ष ने आपूर्ति निरीक्षक को सख्त हिदायत देते हुए विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए 15 दिन में लगाम लगाने को कहा। राष्ट्रीय प्रचार मंत्री चौधरी करुआ सिंह ने आक्रोश जताते हुए आपूर्ति निरीक्षक को खूब खरी खोटी सुनाई। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रचार मंत्री चौधरी करुआ सिंह, गजेंद्र गारद, तहसील अध्यक्ष मांट रोहिताश चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष नौझील चुनमुन चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष मांट मुकेश पहलवान, चेतन नौवार, शिवा चौधरी, अजय चौधरी, प्रेमपाल प्रधान, मुकेश पाठक सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।